बात करेंगे फिलहाल कुछ एक मोटिवेशनल स्पीकर को हमने बुलाया। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा हमने अपने शो में जिक्र किया था, एक रिपोर्ट दिखाई थी आपको जिससे बच्चों ने भारी भरकम स्कूल बैग्स उठाए, वजह से उनकी ग्रोथ पे, उनकी नशोनुमा पे फ़र्क पड़ा था, उनकी स्पाइनल कॉर्ड पे फ़र्क पड़ा था, उनके पोस्चर ख़राब हो रहे थे। इसी तरीके से आज भी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं उमर जालियावाला साहब। तो उमर जालियावाला साहब पहले तो मैं आपको वेलकम कहूंगी अपने शो में, वेलकम टू दुनिया बोले एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। जालियावाला साहब मैं ये पूछूंगी कि हमारे यहाँ एजुकेशन को किस तरह से बांट दिया गया है कि मिडिल क्लास के लिए एक अलग प्राइवेट स्कूल्स हैं या एलीट क्लास के लिए पूरा कोर्स एक कोर्स आउटलाइन स्कूल्स अलग हैं और एक लोअर तबके के लिए जो है वो स्कूल्स बिल्कुल अलग हैं, या फिर हमने गवर्नमेंट के जो स्कूल है उनके हालात हम देख रहे, लेकिन अफसोस के साथ बेचारे वो लोग वहीं जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है जालियावाला साहब कि हम क्या लाद के बच्चों की मेमोरी के हिसाब से हम एग्जाम्स लेते हैं? अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो हम उनके एग्जाम लेने के तरीके को क्यों नहीं फॉलो करते? हम क्यों बच्चों पे इतना वजन लाद देते हैं, उनके दिमाग पे इतना वजन लाद देते हैं कि जी आपने 9-10 का पेपर जो है वो शीट भरनी है, तो रट्टा लगाना, रट्टू तो बना दिया है हमने कि तभी आपको मार्क्स मिलेंगे अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ MCQAs आते हैं एग्जाम में, हम उस चीज को क्यों नहीं फॉलो करते? कैम्ब्रिज से आईबी पे चले गए, हम मैट्रिक से ही नहीं निकल पाए। हम कैम्ब्रिज पे चले गए लेकिन सिर्फ कहने की हद तक। जालियावाला साहब, चौर की कमी, चौर की कमी है, आप जानती हैं, तालीम से हमारा लगाव रहा नहीं, हमारे में से बहुत कम के माँ बाप ने या दादा दादी ने, या दादी की बात करूं या वालदा की बात करूं या औरत की बात करूं, तो बहुत ही कम स्टेटस। आवाज चली गई है जालियावाला साहब, प्लीज आप अपना माइक, कनेक्शन इशू आ रहा Network. है हमें। लेकिन तलहा आप ये देखें कि यहाँ पे भी कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम चला दिया है, सिंध हुकूमत ने आईबी स्टैंडर्ड्स लेके आ गए। सिंध हुकूमत ने 2013 में कानून पास किया था कि फ्री तालीम पाकिस्तानी का हक है, गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री तालीम दी जाएगी। आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। 10,000 से ज्यादा सिंध में असातिज़ा हैं जो ड्यूटीज पे नहीं आते हैं, गायब है, हजारों स्कूल है बंद पड़े हैं, पैसे बराबर जा रहे हैं। अज़रा पेचो साहब साहिबा खाद वजीर सेहत है लेकिन एजुकेशन में भी उनका बड़ा कंट्रोल रहता है, और जरदारी साहब की बहन भी है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा सेहत पे भी रहम खाएं, तालीम पर भी रहम खाएं। सिंध में आए रोज कभी उस्ताद एहतजाज कर रहे हैं, कभी पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है सिंध गवर्नमेंट से, लेकिन 15 साल से हुक्मरानी बेहतरीन जारी है और एड भी चल रही है, रोज एड भी चल रही है टीवी पे, सिंध की कारिस्तानी, मैं हैरान हो जाता हूँ एड देख के यार। अच्छा चलो वोट देते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जालियावाला साहब हमारे साथ दोबारा से मौजूद है लाइन पे। जी जालियावाला साहब कंटिन्यू कीजिए। ये तो मैं कह रहा था कि हमने दो एक्सट्रीम निज़ाम बना दिए, एक दुनिया के बेहतरीन निज़ाम की अक्कासी करता है, गलत ना समझिएगा, पाकिस्तान में बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे, लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट एक सर्टन सेगमेंट के लिए, और दूसरी तरफ एक ऐसा निज़ाम है जो कि दिहाइयों पहले दुनिया छोड़ चुकी है तालीम के एतबार से और उससे आगे बढ़ चुकी है। यानी जो आपने बात की कि सिर्फ याद करना और सिर्फ कुछ चीज़ें हल कर देने से डिग्रियां ना मिल जाएं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स बन सकें, बल्कि स्किल्स बन सकें, ताकि हमारे बच्चे जो है वो अपने आप को यूजफुली अपना करियर प्लान कर सकें कि मैंने इस ज़िंदगी में क्या मुमकिन बनाना है। सो इसको अब मुमकिन बनाने के लिए देखें, पाकिस्तान में जैसे आपने बात की ना MCQs, तो आप इशारा कर रही हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन, यानी मैंने पूरा छाप नहीं देना बल्कि मेरी समझ हो ताकि मैं स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे सकूं। नंबर दो बहुत अहम हो गया है आज के दौर में, बच्चों के पास एक्सेस है, यानी सारी चीज़ें उस्ताद को बताने की ज़रूरत नहीं है और स्कूल और किताबों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद भी तो सीखना चाहते हैं, तो उस सलाहियत को निकालने की ज़रूरत है क्लासरूम्स के अंदर, और बच्चे वैसे ही वो करना भी चाहते हैं तो आपको पता है कि वो जज्बे के साथ करते हैं। नंबर तीन, उस्ताद जो है ना माजी वाला है, वो कहता है मैं बताऊंगा ते आप सुने, चौक एंड इसको चेंज करना है, उस्ताद मल्टीमीडिया है, उस्ताद का काम क्लासरूम की एनर्जी भी है। अग्रीड जालियावाला साहब, लेकिन हम बाहर मालिक में देखते हैं ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है, टीचर्स स्टूडेंट से सुनते हैं, पूछते हैं, कोई मिस्टेक होती तो वो कहते हैं कि जी बेटा, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी बेटा आपने बिल्कुल ठीक किया। हमारे यहाँ अगर स्टूडेंट टीचर से कुछ कह दे कि नहीं मिस ये इस तरह से नहीं इस तरह से, तो वहां पे एक अलग अग्रेशन सामने आ जाता है कि तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे सिखाओगे, मैं टीचर हूँ कि तुम हो, जाओ क्लास से बाहर। तो ये क्यों अभी तक हमारे यहाँ चेंज नहीं हो सका? हम सिस्टम तो कैम्ब्रिज लेके आ गए हैं, आईबी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ें कह रहे हैं, हम ओ लेवल्स फॉलो कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड हाई एजुकेशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम टीचर्स को क्यों चेंज नहीं कर पा रहे? स्टूडेंट्स पे क्यों अभी तक बोझ लादा जा रहा है? कैसे चेंज करें इस चीज़ को?
देखें एक सेट ऑफ स्कूल्स जो टॉप का है, आप समझ लें कि वहाँ पे बिल्कुल स्टूडेंट्स को समझा जाता है, उनके साथ वक्त लगाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त का ये बहुत कम फीसद है। ज्यादातर स्कूल्स के अंदर जो है टीचर्स ये काम नहीं कर सकते, कभी कभी उनके पास वक्त भी नहीं होता। आप सोचें अगर सामने 200 बच्चा मौजूद हो और मैंने इस 40 मिनट के बाद अगले 40 मिनट फिर अगले, अगर मेरा दिन ऐसे बटा हुआ है तो मैं कैसे उस बच्चे को नोटिस करूं जो कि बोला ही नहीं मेरी क्लास में। उमेर भाई लेट्स लुक एट इट एट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। हम ट्रेनिंग टीचिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सिंध में 10,000 टीचर नौकरी पे आता ही नहीं है, हजारों स्कूल बंद पड़े हैं। पहले नौकरी पे तो ले आओ, फिर बात करेंगे टीचिंग स्टैंडर्ड्स की। मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि या तो एजुकेशन है ही नहीं, जीरो है, बच्चा स्कूल जा ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, गवर्नमेंट फ्री तालीम देती नहीं है। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड ये है कि वो बच्चा जो बड़े बाप का बेटा है और माशाल्लाह बड़ी से बड़ी तालीम हासिल करता है, बड़ा पैसा खर्च करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद पढ़ा लिखा जाहिल बन जाता है, उसकी हरकत और सकनात ऐसी होती हैं। तो एक तरफ वी हैव जीरो एजुकेशन, एक तरफ वी हैव पढ़े लिखे जाहिल। तो हमारे यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सोल्यूशन आखिर है क्या। कहते हैं डोंट कंफ्यूज स्कूलिंग विद एजुकेशन। सही कह रहे हो, सही। पर कोई देखे ना, मैं चला गया बड़ी यूनिवर्सिटी में, मुझे डिग्री भी मिल गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं समझ गया मुझे जो सिखाया जा रहा था मेरे अंदर वो किरदार आ गया। जो आपने दूसरी बात की वो भी इक्वली आपको ट्रू नजर आती है कि मेरे पास वसाइल नहीं थे, लेकिन मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में तालीम मुफ्त है स्कूल लेवल तक, 16 साल की उम्र तक रियासत ने जिम्मेदारी उठाई भी है। सर, 2013 में सिंध में कानून पास हुआ था मेहर भाई, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, सिंध में नहीं है एटलीस्ट। हाँ, पंजाब में हो सकती है, वहाँ पे जरा एक्स्ट्रा स्पेशल सर्विस। पंजाब में है, सिंध में नहीं है। पंजाब में बहुत कुछ है जो सिंध में नहीं है, सिंध में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आगाही की कमी है। लेकिन जो शायद जो बड़ा जो रुकावट है ना, जो ऐसे पेरेंट्स को रोकती है अपने बच्चों को स्कूलों में डालने से, उसकी वजह यह है कि उन्हें नजर नहीं आता कि हमारा बच्चा मैट्रिक करने के बाद या इंटर करने के बाद या एक ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसको नौकरी मिलेगी या नहीं। तो आप समझें कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मौजू है और रियासत को प्रायोरिटाइज करना चाहिए इसको। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये मुल्क का इकोनॉमिक्स है। सर, हम रोटी कपड़ा मकान से ही नहीं निकले हैं, तालीम सेहत की बात, सिक्योरिटी की बात क्या करें सर। फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी दे सकते हैं अलबत्ता, लेकिन वो हम अच्छा कर लेते हैं काम, तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान वो ऑफर करता है। ऐसी पाकिस्तान को देखें रिकग्निशन मिलती है और रिसोर्सेज मिलते हैं। तो बिल्कुल हमें अपने आप को डिसकनेक्टेड नहीं समझना चाहिए। हम अगर हम दुनिया के किसी भी हवाले से काम आ रहे हैं और अगर वो हमें इंगेज करते हैं इतने सारे और मुल्कों को छोड़ के, तो ये तो अच्छी बात है पाकिस्तान। लेकिन जब हालात बुरे होते हैं तो जो चीज़ अच्छी भी हो रही होती है ना, हम उसे भी डिनाई कर देते हैं। जैसे मैंने कहा, तालीम में बहुत आपको अच्छी मिसालें मिलेंगी पाकिस्तान में। स्कूल सिस्टम याद रखें सिर्फ नहीं बल्कि मिसाल के तौर पे कम्युनिटी लेवल स्कूल सिस्टम, जिस तरीके से फाउंडेशन है, जिस तरीके से रीड फाउंडेशन है, इन्होंने हजारों स्कूल्स बनाए हुए हैं उन बच्चों के लिए जो कि अदरवाइज स्कूल नहीं जाते और बेहतरीन तालीम ऑफर करते हैं डिग्निटी के साथ। Agreed. तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में मिसालें अच्छी दिखाता है, आप ये बात तस्लीम करेंगे। सोसाइटी और ये कॉर्पोरेट्स हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो रियासत है, जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। शिकवा तो छोड़ ही देना तला, वो तो करते ही नहीं ना, हम तो शिकवा कर करके भी थक गए। तो जालीवाला साहब, ये बताएं कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, जो अगर हमारे प्राइवेटाइज सेक्टर्स भी हैं जो स्कूल्स जा रहे हैं उनको कैसे सही किया जाए। बहुत से गोल्ड मेडल ग्रेजुएट होते हैं जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जीरो होते हैं। एकेडमिक और इंडस्ट्री का गैप, देखिए जो रीसेंट बात हो रही है ना कि एक निज़ाम तालीम, मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, एब्सोल्युटली फंडामेंटल्स में एक निज़ाम तालीम होना चाहिए, लेकिन एक्शन में नहीं हो सकता। अलग अलग निज़ाम रहेंगे लेकिन उनका फंडामेंटल तो एक डिफाइन होना, मदरसे वाला, सरकारी स्कूल वाला और एलीट तरीन स्कूल वाला, बेसिक पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के लिहाज से कहाँ, तो ये अच्छा खुश आइन एफर्ट है, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ। नंबर दो जो होने की ज़रूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर को ब्लेम करें, जो कि हमेशा मैंने सुना है ये तालीमी माफिया है। यही तो वो लोग हैं जो क्वालिटी लेकर आए, जो कि जिद्दत लेकर आए, अब इनको करने के लिए पैसे भी तो मुमकिन बनाने थे, तो उनका निज़ाम तरीका ये था, ये सरकारी स्कूल नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अच्छा ले आए हैं। इनके पास मास्टर ट्रेनर्स मौजूद हैं और बहुत सारे इसमें से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स में पार्टिसिपेट भी करते रहे। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन बनाएं ताकि हम उस जो हमारी लॉट टीचर्स की तैयार है वही बाकी टीचर्स को ट्रेन कर सकें। लेकिन एजुकेशन माफिया तो है ना जालियांवाला साहब, महंगी है इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए बुराई करते हैं। उमर
आप माफिया को इस्तेमाल करें जिस तरह इंडिया में किया, आप उन पे कैद लगा दें 20% 30% बच्चे उन्होंने ऐसे कोई नहीं है ना, नहीं नहीं लगाते हैं, आपको पता है ऑलरेडी 5% की कैद है, लेकिन देखें इंडिया ने भी इसको यूज किया क्योंकि हमारी सरकार पूरे मुल्क में तालीम नहीं मुमकिन बना सकती, हमें मुमकिन उसको पार्टनरशिप के थ्रू ही बनाना होगा, तो जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको बोलेंगे ऐसा काम करना है, उस पर पॉलिसी बेहतर बनाएं। और मैं आपको ये बात बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है पाकिस्तान का, जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया हुआ है, उन्होंने सिर्फ कारोबार के लिए नहीं उठाया, कारोबार के लिए और भी बहुत मौके होंगे उनके पास, लेकिन कुछ ना कुछ उनका ज़रूर इस मुल्क के अंदर, इसके बच्चों के अंदर ईमान है, तो उसको इस्तेमाल करें। मेरा ये ईमान है कि अगर साथ मिलकर हम काम करें तभी हम तालीम के मसले का हल निकाल सकते हैं। ये ईमान आप लाए कहाँ से हैं उमेर भाई? मैं आपसे भी तो पूछना चाह रहा हूँ कि अपनी स्कूलिंग और एजुकेशन के बारे में बताइए, ये ईमान कहाँ से आया? जी स्कूलिंग तो मेरी हैदराबाद की है, देखिए मैं भी हैदराबाद से पढ़ा हूँ सर, मैट्रिक वहीं से की मैंने। तो ये कहता हूँ मेरी वाइफ पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई है, मैं फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, दोनों बहुत करीब थे वैसे, जो कि बहुत हम्बल सेटिंग से आते हैं, तो बिल्कुल जो है देखें फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा स्कूल था, फर्क पड़ता है कैसे उस्ताद थे, कैसा माहौल, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपके माँ बाप ने आपको जबरदस्ती यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया, फर्क ये पड़ता है कि उन्होंने आपकी तरबियत में कितनी इल्म और यूनिवर्सिटी की कदर घुसाई ताकि आप उसको वैसे ही हासिल करते। तो मैं बड़ा लकी रहा, मेरे वालिद बहुत तालीम की तरफ इंक्लाइंड थे, हालांकि मेरी कम्युनिटी नहीं है, विमेन कम्युनिटी में कम लोग आपको पता है हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, बट उनका कन्विक्शन था तो उन्होंने ना सिर्फ हमें बल्कि बेशुमार और लोगों को, तो देखें हम में से जो तालीम को समझते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हमारे यहाँ जब लोग मजाक में उड़ा देते हैं, अच्छा क्या कर लेगा पढ़ के फला चीज, लड़की तालीम को हम बंद कर देते हैं, तो हमें जरूर। उमेर भाई आप इससे बड़ा अलमिया क्या देखते हैं कि आपके मेडिकल में जो सबसे एक्सपेंसिव सबसे मेहनत वाली तालीम है, जब MBBS करके डॉक्टर बनते हैं, जो खवातीन जो लड़कियां बच्चियां MBBS क्लियर करती हैं उसमें से 40% प्रैक्टिस नहीं करती हैं, हाउसवाइफ बनती हैं, उनके माँ बाप उनको MBBS इसलिए करवाते हो बेटी की शादी अच्छे घर में होगी, अच्छे रिश्ते आ जाए, इमेजिन हाइट ऑफ इडियोक्रेसी आई वुड से। माँ बाप पे भी ना डालें, उनके मियाँ भी ऐसे ही होते हैं। हाँ होते हैं, आई एग्री, सोसाइटी का प्रॉब्लम है, फैमिली भी तो ऐसे ही चूज करती है, जब लड़की देखने जाते हैं तो जी MBBS लड़की चाहिए, MBBS से बाकी बतवाना घर पे खाना ही है, रोटियां ही बनवानी है उससे, प्रैक्टिस करने नहीं देनी, हॉस्पिटल जाने बच्चे नहीं देना, बच्चे बीमार होंगे तो घर पे खुद ही दवाई दे देगी, तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। बड़ा ये फंडामेंटल्स हम सिखाए गए ना, मेरी कल भी किसी से गुफ्तगू हो रही थी तो औरत का रोल चार दीवारी, औरत बाहर निकली तो तबाही आ गई, इतने आइडियाज हमें सिखाए गए हैं माजरत के साथ कि हमारा माशरा कन्विंस्ड है कि अगर औरत बाहर निकलेगी तो अगर उसके खुद के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है तो माहौल उसको उसके इर्द गिर्द के लोग, तो ये जो इनसिक्योरिटी है, और दूसरा ये कि हमारे माँ बाप जिंदगियां लगाते हैं बच्चों को बड़ा करने पे, तो फिर तवक्को रखते हैं कि बाकी जिंदगी बच्चे उनका, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके आने वाली बेगमात भी उनका ख्याल रखेंगी। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उमेर जालियावाला साहब, मोटिवेशनल स्पीकर।